सीतापुर में तौलिक महासंघ का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और यहां पर पधारे समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजपाल कश्यप। जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब तक का प्रयास सफल रहा, इसको आप कैसे तोड़ेंगे? देखिए, ये तैलिक महासंघ का पूर्व विधायक राकेश राठौर जी ने जो शपथ ग्रहण कराया, आपने देखा होगा कितनी भारी संख्या में महिलाएं और व्यक्ति लोग आए थे। कहीं हाल में जगह नहीं थी, पूरे लान में पूरी जगह नहीं कहीं। ऐसे आप जो बीजेपी कहती थी, ये मेरा पेटेंट है, प्रधानमंत्री जी कहते थे जो जात मेरी पेटेंट है, उस जाति ने ही इनको इनकी उल्टी गिनती चालू कर दी है। तो अब और कौन जाति रुकेगी वहाँ? इनको घमंड था, पिछड़े दलितों को गुमराह करके सरकार बनाने का काम किया, अब उनके हक अधिकार छीन रही है। तो ना पिछड़े रुकेंगे, ना अगड़े रुकेंगे, ना दलित रुकेंगे, ना आदिवासी रुकेंगे, ना किसान रुकेंगे, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। और डबल इंजन की सरकार डबल बार आ चुकी है, अब तीसरी बार इनका सफाया होना तय। क्या माना जाए, अभी तक के जो चुनाव हुए उसमें आप लोग समझा नहीं पाए, इस बार समझा ले जाएंगे? देखिए, 22 के चुनाव में तो समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया था, 22 में तो ये बेईमानी से बने, आप जान लीजिए। और बीजेपी ये भी कहती थी हमें कोई घटा नहीं सकता, हमें कोई कम नहीं कर सकता, हम सभी सीटें जीतेंगे। तो 47 से 125 पे तो हम पहुँच गए, 70-75 सीटें ऐसी हैं जो 5000 वोट के अंतर से हारे हैं। वो 5000 हारे नहीं, हराया गया। और आपने देखा होगा अब जो ट्रेंड चलेगा, माननीय अभी नेताजी के न रहने पे मैनपुरी की सीट खाली हुई थी, जिस पे बीजेपी ने पूरा तांडव शासन प्रशासन का किया, मुजफ्फरनगर में भी किया, रामपुर में भी किया, और मैनपुरी में लगभग 3 लाख वोटों से जीते, मुजफ्फरनगर में भी सीट जीते, रामपुर में तो इतना तांडव किया वोटर को ही घर से नहीं निकलने दिया। इसलिए अब ये बेईमानी से जीते हैं, जनता इनको नहीं जिता रही, और अब की इनकी बेईमानी की भी कलई 24 में खुल जाएगी। 80 की 80 लोकसभाएं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बीजेपी को हराई जाएंगी। समाजवादी पार्टी पहली बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उनके तमाम समाज के लोगों की फ़ोटो लगाने लगी, क्या मानते हैं आप जो दलित वोट है वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ आप लोग शिफ्ट करा पाएंगे? देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर तो संविधान बनाए हैं और हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान में भी समाजवादी लिखा है, तो हम लोग तो बाबा साहब को मानते ही थे। और ये बीजेपी के लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। और बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इनकी सब की विचारधाराएं मिलती है और ये सारी विचारधाराएं अब एक हो गई, और जब एक हो गई सारी विचारधाराएं तो बीजेपी का अता पता नहीं लगेगा। तो सेमीफाइनल के तौर पर निकाय चुनाव हैं, फिर देखा जा रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको आप लोग कैसे फतेह करेंगे? देखिए, नगर निगम के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीतेगी, और आप देखना लोकसभा के चुनाव में तो प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी का सफाया होना तय है, क्योंकि जनता जूझ रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, आरक्षण खत्म किया जा रहा, सभी लोगों को अपमानित किया जा रहा, किसान परेशान है, एक भी वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया, न किसान की आय दुगुनी की, ना ही 2 करोड़ नौकरियाँ दी, तो सभी वर्ग तो परेशान है, महंगाई पे कंट्रोल नहीं करा है, जो कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, देश की सारी संपत्ति बेचे दे रहे, चंद उद्योगपतियों के हाथ में बेचे दे रहे, तो जनता की ये संपत्ति है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की है। और जब लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है, LIC जैसी जहां लोग अपना खून पसीने का पैसा काट काट के अपना जीवन बीमा में जमा करते हैं, उनका जीवन भी दांव पे लगा दिया बीजेपी ने, तो अब बीजेपी का ख़त्म होना तय है। और बीजेपी के अन्याय उत्पीड़न से सभी मोर्चों पे विफल है, कहीं एक अस्पताल नहीं दिखा सकते, एक नौकरी नहीं दिखा सकते, एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश के योगी जी नहीं करा पाए, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए,
एक भी भर्ती नहीं करा पा रहे हैं, तो सभी मोर्चों पे विपल सरकार को हटाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 24 में बीजेपी का सफाया होगा। बिल्कुल, तो देखिए सीतापुर में तौलिक समाज से शुरुआत हुई है और जहां से ये कहा गया है कि तौलिक समाज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नहीं है वोट बैंक, बल्कि आज जो भीड़ जुटाकर यहाँ ये साबित करने का प्रयास भी हुआ है कि ये समाज उनके साथ भी है, समाजवादी पार्टी के साथ है, यानी कि और उसको आज साबित करने का प्रयास किया है। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।